हेलो गाइस, मैं सौरभ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आइज पर स्वागत करता हूं। जैसे गाइस आपको पता है कि मैं हमेशा की तरह फिर से एक वीडियो लेके आया हुआ हूं। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाएगा। तो गाइस पढ़ाई से संबंधित किसी भी तरह की वीडियो के लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर आपको सकता है। तो गाइस हमारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, अंत तक वीडियो को देखें, आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश साइज पे फिर से स्वागत करता हूं। तो गाइस आज मैं प्रेजेंट हूं आप सभी को फ्यूचर टेंस पढ़ाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं इसके पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रखा है प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का। तो गाइस ये दोनों काइंड्स खत्म हो गए हैं, आज हम इसके तीसरे काइंड फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले दो को जानेंगे जो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसी को सिंपल फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो गाइस अब हम एक जरूरी बात आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखेंगे, वहां से जाकर आप उसको देख पाएंगे और सीख पाएंगे क्या पढ़ाया गया। तो गाइस हम बात करते हैं आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ये फ्यूचर टेंस का पहला रूप होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य को कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो अगर हम पहचान की बात करें तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हमें गा गे गी, ठीक है ना, गा गे गी मिले तो हम कहेंगे कि ये वाक्य क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य है। आइए एग्जांपल की सहायता से हम पहचान पाते हैं। जैसे वह गांव जाएगा, ठीक है, ये एग्जांपल नंबर वन था। और एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। तो यहां पे जैसा कि हम फर्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं वह गांव जाएगा, यहां पे गा आ रहा है, और दूसरा एग्जांपल जो है सीता खाना खाएगी, यहां पे हमने गी पाया, तो गा और गी आया। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहचान में कि गा गे गी आदि इससे रिलेटेड और कुछ भी आ सकता है, तो हम कहेंगे कि ये जो वाक्य सारे आ रहे हैं ये सारे किस चीज में है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है। तो अब हम इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इसका निगेटिव कैसे बनेगा और इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वन बाई वन करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके अनुसार सेल या विल लगाएंगे, फिर गिवन और ऑब्जेक्ट। तो मैं पहले बता दूं कि आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं। वह आम खाएगा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो ही विल ईट मैंगो। उसी प्रकार मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम सेल लगा देंगे। आई सेल पढ़ाना वर्ब है, तो टीच, आई शैल टीच, और यहां पे क्या कर देंगे, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो आई शैल टीच इंग्लिश, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं निगेटिव, तो निगेटिव कहता है कि शैल या विल के बाद नॉट लगा देना, बाकी सब वही रहेगा। तो हम लोग वहां नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, वी के साथ शैल, वी शैल नॉट खाना का होता है इट और वहां का होता है देयर, वी शैल नॉट इट देयर, हम लोग वहां नहीं खाएंगे। फिर हम बात करते हैं तुम वर्ग में नहीं पढ़ोगे, तो यू हमारा सब्जेक्ट होगा, यू विल नॉट रीड इन द क्लास, यू विल नॉट रीड इन द क्लास। यहां पे दो दो एग्जांपल की सहायता से हमने क्या किया कि इसका अफर्मेटिव और निगेटिव को क्लियर कर दिया। अब हम बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव के बारे में कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। बात करते हैं इसके इंटरोगेटिव के बारे में कि इंटरोगेटिव क्या होता है। तो इंटरोगेटिव में हमेशा हम क्या करते हैं कि आया हुआ हमारा जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसको बाहर कर देते हैं या मॉडल वर्ब, तो यहाँ पे शैल या विल जो होगा हमारा उसको हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, शैल या विल बाहर करके सब्जेक्ट, गिवन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन मार्क आता है। एग्जाम्पल, क्या राम पढ़ेगा, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नाचोगे, तो राम क्या है सब्जेक्ट है और राम के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। सबसे पहले यहां हम लिख देंगे विल, ठीक है ना, विल
राम और पढ़ना क्या होता है रीड, विल तो नाम रीड बन गया, क्या राम पढ़ेगा उसी प्रकार क्या तुम नाचोगे तो यू के साथ विल लगाएंगे तो विल पहले विल यू डांस क्वेश्चन मार्क। अब एक होता है इंटरोगेटिव निगेटिव, यानी इसमें निगेटिव अगर कर देगा तो क्या करेंगे, जैसे दे देगा क्या आप नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, दिया क्या नहीं पढ़ाएंगे, यहां ये सेम रहेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट आके जुड़ जाता है। तो जैसे देखिए मैं बना रहा हूं विल यू नॉट टीच हो गया क्या आप नहीं पढ़ाएंगे। तो गाइस यहां पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है, हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसके दूसरी रूप यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो गाइस अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, और कहीं भी आपको कोई त्रुटि नजर आए या जहां कुछ समझ नहीं आता है वहां कमेंट करके हमें जरूर बताएं ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम को दूर कर पाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।